अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन क्लब। तो सब दोस्त मुझसे पूछ रहे थे जी अपना 10 नंबर पेयर शेयर करें हमारे साथ, जिसका बेपिजन 3 दिन रुल के आया था। ये देखें, ये माशाल्लाह से वो बेपिजन है जो कि रुल के आया था। ये देखें, ये है जी, बाकी ये जी वो पेयर है माशाल्लाह से। मेरा ब्रीडर कबूतर है ये, और इसके साथ ये ब्रीडर फीमेल है। ये मेरे घर की खुद जो है ना उड़ी हुई फीमेल है, लाखी कबूतरी है और इंडियन लाखी, ठीक है। और इसके साथ ये जी माशाल्लाह से गोल्डन कबूतर लगा हुआ है। ये देखें इसकी स्टैंडिंग वगैरह देखें, मोरा चेक करें माशाल्लाह से, बाकी पर्पल है चेक करें। मैं दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ इनकी, तो मैं हाथ में पकड़ता हूँ और आपके साथ इनकी टिप वगैरह भी देता हूँ कि इनमें जो है ना वो क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से बेपिजन जो है ना इतना रुल के आया मेरा, ठीक है। ये देखें, ये माशाल्लाह से जुड़ा है, नज़र आ रहा है आपको क्या कस्सें वगैरह कमाल की बनी हुई हैं इन दोनों की। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से वो पेयर है जी। तो इसके साथ वो पीछे बेपिजन है, तो ठीक है जी। ये मैं आपके साथ पकड़ कर भी हाथ में दिखा देता हूँ आपको, इनका आँख वगैरह, इनकी पलक, इसका क्या बैलेंस है परों का, जिस वजह से इनके बच्चे जो है ना वो इतना रुल के भी जो है ना वापस आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस छत पे भी इनके बेपिजन मैंने छोड़े हैं ना, तो उनसे यही जो है ना वो आई है कि हमें इनके बच्चे जो है ना और भेजें माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी इन्होंने रिजल्ट जो है ना वो दिया। तो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ इनको जी, क्या चीज़ है क्या नहीं। तो लें दोस्तों, ये जी मेरे हाथ में आ गया सबसे पहले मेल। ये देखें माशाल्लाह इसकी खूबसूरती चेक करें जी, ठीक है। बाकी मोरा वगैरह देखें जी, माशाल्लाह बहुत कमाल का मोरा है। जब भी आपने पेड़ लगाना है उसमें मोरा इस तरह का हो, ठीक है। ये आगे से इस तरह की टेप बनी हो, टेपर इसके मुँह की, फिर जो है ना आपने पेड़ लगाना है। कोशिश यही किया करें कि ये वाला हो, इससे माशाल्लाह जो है ना वो बहुत अच्छे बेपिजन आगे जो है ना वो ब्रीड बनती है। बाकी यहाँ से सही व्यू नहीं नज़र आ रहा, मैं आपके साथ इसकी आँख वगैरह भी शेयर कर दूँ जी। ये देखें, ये इस कबूतर की आंख है जी माशाल्लाह से। ये देखें, ये नज़र आ रही है आपको आंख माशाल्लाह। इसकी आंख के अंदर रिंग देखें कितने वाजिया जो है चल रहे हैं। मैं दो तीन चीज़ें देखता हूँ आंख का, रिंग जो होता है पहला रिंग और आखिरी रिंग जो है ना मज़बूत होना चाहिए, ये कबूतर की वापसी की अलामत होती है जी। ये बस सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो यही है, आंख का पहला रिंग और आखिरी रिंग अगर मज़बूत नहीं ना तो बच्चों में आगे वापसी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें देखता हूँ मैं, बाकी आप इसका मोरा वगैरह चेक करें जी माशाल्लाह से, ठीक है। आगे इसका आपको पर्पल शेयर कर दूं मैं जी। टेल देखें माशाल्लाह से, बिल्कुल बंद टेल है इसकी, ये देखें। तो हाथ में जो है ना आके बुरा महसूस कर रहा है, और टेल बंद ही होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टेल एक ही खुली है दूसरी की बंद है। ये पहले बातें ये जो है ना इस तरह की होती थी, एक ही बंद है एक ही खुली है, तो इस तरह जो है ना वो पहले हुआ करता था। अब जो है ना हर बंदा जो है ना ये चाहता है कि मेरे बच्चे शाम तक परवाह दें, तो उसमें जो है ना वो एक चीज़ भी नहीं छोड़नी चाहिए, हर चीज़ जो है ना बैलेंस होनी चाहिए। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये इसका पार है जी, पार इसके जो है क्रीज़ किए हुए हैं, इसलिए जो है ना न्यू आ रहे हैं, अभी कच्चे पार हैं। तो आपको ना देख के लग रहा होगा लेंथ अभी छोटी है, इसकी लेंथ माशाल्लाह बहुत कमाल की है पार की, बाकी अभी कच्चे पार हैं। ये देखें, आपको पता चल रहा होगा देख के। बाकी इसका पार देखें जी माशाल्लाह, टिशू नमा बिल्कुल बारीक तीली, कैसे पार चल रहे हैं तरतीब वाइज के साथ, ठीक है। एक पार दूसरे पार को ऐसे छू रहा है, ठीक है। और इसमें बगल का बहुत किरदार होता है जी, जितनी बड़ी बगल होती है उतना जो है ना कबूतर ज़्यादा परवाज करता है, क्योंकि कबूतर ने उड़ना होता है अपने बाहर वाले परों से, ठीक है। ये पार चलाने होते हैं और बगल ने इसको ऊपर खड़े करके रखना होता है कबूतर को आसमान में, इसका जो है ना वो बहुत बड़ा किरदार होता है। बगल के बगल अगर बड़ी होगी, कोई गैप नहीं होगा बगल में, तो कबूतर जो है ना ऊपर आसमान में खड़ा ही रहेगा जी। देख रहे हैं इसकी बगल माशाल्लाह से, ये देखें जी कितनी बड़ी लेंथ ही बगल है इसकी, ठीक है। बाकी ये जी इसका दूसरी तरह का कुंदा होगा जी, देखें माशाल्लाह, ठीक है। तो पार का ये स्टाइल होना चाहिए कि एक पार दूसरे पार को ऐसे छू रहा हो, ठीक है, पार के ऊपर पार चढ़ा हुआ हो, कोई गैप नहीं हो परों में, ठीक है। ये देखें इस तरह होना चाहिए पार, ये देख रहे हैं पार छूटे नहीं ऐसे, ये देख रहे हैं इस तरह। तो बाकी ये हो गया टेल, देखें कितनी माशाल्लाह बंद है इसके। अब आपके साथ पंजे शेयर कर दूँ, और पंजों के बारे में आपको बता दूँ जी, पंजे इस तरह खुश्क होने चाहिए, ठीक है, लालगी के अंदर होने चाहिए, ऐसा नहीं हो पंजे कच्चे हों वाइट कलर के हों, इस तरह से ये जो है ना बेपिजन घर नहीं वापस आता। बाकी दूसरे नंबर पे एक और आपको चीज़ बता दूं, ये देखें मेरा बेपिजन माशाल्लाह से, ये मैंने छोड़ा हुआ है अपना 42 नंबर पेयर का बेपिजन, ये देख रहे हैं रूलर है ये भी जी। तो सुबह का निकला हुआ है, अब जाके वापस आया, नीचे आया तकरीबन 12 का टाइम हो गया, ये देखें ये गया ऊपर से होकर, ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बच्चा छोड़ता हूँ ना उसमें यही एक चीज़ देखता हूँ कि बच्चा, मुझे मज़े तब आता है कि बच्चा जो है ना ज़्यादा रुल ला के घर वापस आए, ठीक है। तो अभी भी नहीं बैठा जी, ऊपर घूम रहा है, दूर दूर जा रहा है आ रहा है। बाकी हड्डी जोड़ का ये किरदार होता है, अगर बड़ी हड्डी होगी ना तो वो ज़्यादा कबूतर जो है ना वो परवाज देगा, ठीक है। हड्डी
और चुभने वाली हड्डी होनी चाहिए कबूतर की, ठीक है, जिस तरह की इसकी है। बाकी इसका मोहरा देखें माशाल्लाह, आगे से चौड़ा पीछे से बंद, ये आपके सामने है। बाकी इसका अब मैं दूसरा आपको शेयर कर दूँ, इसकी फ़ीमेल, ये इसकी कड़ी नंबर है, ये देखें 10 नंबर माशाल्लाह से, और बंद जोड़ है। तो मैं जो है ना फीमेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो क्या चाहिए। तो लें दोस्तों, ये अब मेरे हाथ में आ गई है फ़ीमेल, ये देखें माशाल्लाह से। इस फीमेल का भी देख के आपको पता चल रहा होगा, आगे से चौड़ी पीछे से बंद, ये देखें बिल्कुल एक पत्ते की इसकी टेल है, हाथ में पकड़ी है, इसलिए जो है ना बुरा महसूस किया इसने। बाकी इसका जी मोहरा वगैरह देख लें, मैं जो भी कबूतर लगाऊँगा पेयर, उसका माशाल्लाह मोहरा जो है ना बहुत कमाल का होगा। तो बाकी इसकी आँख वगैरह आपके साथ शेयर कर दूँ जी, ये देखें जी। अब ये जी माशाल्लाह से इस फीमेल की आँख है, ये देख रहे हैं, ये जी इसकी आँख है, ये देखें आप, पहला रिंग देखें और आखिरी रिंग देखें जो मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये वापसी की अलामत होती है, अब जो है ना ये जितना ज़्यादा गहरा रिंग होगा ना उतना ज़्यादा कबूतर में वापसी होगी। ये देखें माशाल्लाह से आँख है, रिंग देखें इसके, और आँख देखें कितनी बड़ी है, ऐसे उभरी हुई है, बाहर को आ रही है आँख, ठीक है, इतना मोटा डेला है इसका, ये देख रहे हैं ऐसे 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 देख रही है चारों तरफ। जो कबूतर इतने बड़े डेले का होगा ना, इतनी बड़ी आँख का होगा, वो जल्दी बाजबीरी के हाथ नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें कबूतर परवाज भी ज़्यादा जो है ना वो देता है, ठीक है। बाकी इसका मोहरा वगैरह देख लें जी माशाल्लाह से, ये देख रहे हैं मोहरा आगे से कितना कमाल का बना हुआ है, ये देखें। तो अगर इनके बच्चों ने वापसी नहीं करनी तो फिर किसने करनी है जी माशाल्लाह। तीसरे दिन रुल के आया इनका बेपी जन जी, आपने देखा है जिस तरह से। बाकी इसका पार पला आपके साथ मैं शेयर कर दूँ जी, ये देखें ये इसका पार है, इसके पार भी जो है ना वो क्रीज में थे, अब जो है ना न्यू आ रहे हैं, ये देखें। तो एक और बात है जो मैं बात करता हूँ पहली करनी की, ये देख रहे हैं ये पहला पार है आपके सामने, ये देख रहे हैं कितना बड़ा है बगल के पहले पार से, ये जो बेपी जन अपनी पहली करनी की रहता है वो देखें कितनी बड़ी है। तो ये देखता हूँ मैं, ये अच्छे की लामत होती है कबूतर की। इसका भी पार देख लें माशाल्लाह, तरतीबा और वाइब्रेट कर रहा है, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, ये देखें माशाल्लाह बहुत कमाल की फीमेल है ये। मेरे घर खुद जो है ना उड़ी हुई है, तकरीबन 5-6 बजे तक की परवाज़ इसके परों में आया, इतना जो है ना ये उड़ी हुई है। ऊपर से देखें भी ऐसे बना हुआ है, इंडियन लाख की कबूतरी है, ये देखें। बाकी ये जी आगे से चौड़ी, ये देख रहे हैं शोल्डर इसके कैसे बाहर कुबरे हुए हैं, आपने देखी है सारी खड़तपड़त वगैरह इनकी। और एक और बात, ये जितने पार जो है लंगोट से ऐसे बाहर को जा रहे होंगे ना, ये उतना जो है ना कबूतर अच्छा होता है। कबूतर ने अपनी टेल से ना बैलेंस करना होता है खुद को, कबूतर जब परवाज देता है ना आप खुद को बैलेंस करता है, ये देखें लंगोट इसकी। अब बस इतना सा फासला बाकी जो है ना बचा, बाकी सारे यहाँ तक लंगोट जो है ना गई हुई है। इसका बहुत बड़ा किरदार होता है इन चीज़ों का, पंजे खुश्क होने चाहिए, ये देखें जिस तरह के इसके हैं, ये देख रहे हैं। अगर पंजे खुश्क होंगे कबूतर के, कबूतर के घर में वापसी हो गई, क्योंकि जब तक कबूतर ऊपर से ख़त्म नहीं ना होता उतनी देर में कबूतर वापस नहीं आता। तो ये जी, ये पहले जो कड़ी मैंने डाली हुई थी वो ये है, ये 57 नंबर है मेरे ख्याल में, और ये जो है आगे 10 नंबर पेड़ मैंने बनाया हुआ है, ये इसकी कड़ी है इसके पाँव में, ये देखें माशाल्लाह से, ये खुद मेरे घर की उड़ी हुई कबूतरी है। पंजे देख रहे हैं कितने गहरे, और ये बरीक बिल्कुल बरीक नलियाँ होनी चाहिए यहाँ से, और फिंगर जो है ना वो लंबी होनी चाहिए कबूतर की। ये जो है ना दो चार चीज़ें थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जी। ये देखें ये इसकी टेल है बंद, आगे से चौड़ी पीछे से बंद, और इंशाल्लाह आपको इस तरह की और मज़ीद टिप जो है ना मैं देता रहूँगा। जिन दोस्तों को मेरी ये टिपें पसंद आई हैं वो जो है ना वो मुझे बता सकते हैं कमेंट में, आगे भी अपनी राय दे सकते हैं, इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ जो है ना मज़ीद मैं वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। ये देखें जी ये माशाल्लाह से फीमेल, तो इसका आगे बीपी जो है ना आपके साथ मैं शेयर कर दूँ जी, वो कौन सा है जो 3 दिन रुल के जो है ना वो आया माशाल्लाह से, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो ले दोस्तों, ये जी आगे उनका बेपी जन आ गया, ये देखे मैंने सोचा चलो आपके साथ ये भी जो है ना मैं शेयर कर देता हूँ, जो कि उस दिन तीसरे दिन माशाल्लाह रुल ला के आया जी। ये जी इस बच्चे की आँख है, ये देखें। अब जो चीज़ें आपने माँ बाप में देखी हैं वही इनमें चल रही हैं सारी, ये देख रहे हैं मोरा माशाल्लाह से क्या कमाल का मोरा इसका जी बना हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये है जी जोड़ा लगाने में, आप मोरा जो है ना वो कोशिश किया करें कि अच्छा हो, आँख बड़ी हो। पहला और आखिरी रिंग देख रहे हैं आगे बच्चे में भी, ठीक है। ये अगर बच्चों ने नहीं वापस आना तो फिर किसने आना है। तो ये है जी, बाकी जो आगे से चौड़े पीछे से बंद जिस तरह से आपने वो देखे हैं, ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे लंगोट माँ की थी, ये देख रहे हैं। या जी इसका पर्पल आपके साथ शेयर कर दूँ, जिन भाइयों ने नहीं देखा होगा वो भी जो है ना देख लें, ये देखें जी माशाल्लाह से ये इसका पार है जी। अभी माशाल्लाह से 5वीं कली इसने गिरा दी है जी इस बच्चे ने। तो ये जी इसका पर्पल है, बड़ी बगल है माशाल्लाह से, ये देखें बंद टेल, और ये हो गए इसके पंजे, ये देखें जी ये इसके पंजे हैं।
और ये इसकी 10 नंबर कड़ी माशाल्लाह से। ये बेपीजन जी मेरा रोल क्या आया था तीसरे दिन माशाल्लाह से, ठीक है। मैंने सोचा चलो आपके इसके भी जाना आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जी दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो साथ मुलाकात होगी, तब तक लिए जा चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।